हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ पार्शियल डिफरेंशिएशन पे तीसरा वीडियो, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि टोटल पार्शियल डिफरेंशिएशन किस तरह से करते हैं। इससे पहले मैं आपके सामने दो वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको सिखाया था पार्शियल डिफरेंशिएशन होता क्या है, कैसे वहाँ हम करते हैं। सेकेंड वीडियो में मैंने आपको बताया था कि होमोजीनियस फंक्शन के लिए आयलर थ्योरम कैसे क्या होती है और कैसे इसको हम प्रूव करते हैं, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल किस तरह से करते हैं। या तो जो आईटीएम है यहाँ पे आप क्लिक करके मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं। और भी मैंने वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पे, लाइक कॉम्प्लेक्स है, फूरियर है, लाप्लास है, फूरियर सीरीज़ है, और असिम्प्टोट्स हैं, कर्व ट्रेसिंग है, डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, मैट्राइसेज है, बहुत सारे वीडियोस अपलोड करके, सो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं जो मैंने वीडियोस देखे हैं। अब नाउ इसको देखिए, आप टोटल पार्शियल डिफरेंशिएशन होता क्या है, मतलब टोटल डिफरेंशिएशन होता क्या है और कैसे इस पे बेस्ड हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। सो देखिए आप, होता क्या है, इफ़ यू इज़ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, पर एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू, मतलब पूरे दोनों के साथ में डिफरेंशिएशन करना हो तो क्या होगा, डी यू इज इक्वल टू डेल यू बाय डेल एक्स इनटू डी एक्स, डेल यू बाय डेल वाई इनटू डी वाई, मतलब टोटल, मतलब पूरे का अपने डिफरेंशिएशन करना है ना। अब यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन का एक कंसेप्ट होता है कि हाँ, ये एक्स और वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, पर ये जो एक्स और वाई, ये टी पे भी डिपेंड करना, नॉट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दैट इज एक्स टी पे डिपेंड करा और वाई भी टी पे डिपेंड करा, और आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी। तो हम क्या करेंगे, पहले u को x के रेस्प में करेंगे, फिर x का t के रेस्प में करेंगे, फिर u को y के रेस्प में करेंगे और y का t के रेस्प में करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे इस तरह से हम इसको टोटल पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं, और इस पे बेस्ड मैं आपको न्यूमेरिकल समझाऊंगा, तो उससे आपको समझ में आएगा कि कैसे हम इसको अप्लाई करते हैं। सो स्टूडेंट, मैथमेटिक्स के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी थ्योरम या कोई भी स्टेटमेंट अगर आपको समझना है तो पहले उस पर न्यूमेरिकल को समझने की कोशिश करिए। अगर न्यूमेरिकल समझ में आ गया तो उसके पीछे वाला कंसेप्ट भी आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं न्यूमेरिकल से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए क्या करेंगे, आपको ये दे रखा है, आपको ये प्रूव करना है, तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन देखिए आप, जो भी अंदर फंक्शन दे रखा है इसको आप टी वन टी टू टी थ्री मान लीजिए, लेट y माइनस जेड इज इक्वल टू टी वन, जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू टी टू, एंड एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू टी थ्री। मैंने इसको टी वन टी टू टी थ्री मान लिया, इसका मतलब ये हो गया कि u इज फंक्शन ऑफ टी वन टी टू और टी थ्री, और ये टी वन टी टू टी थ्री इस पर डिपेंड कर रहा है, मतलब ये कंपोजिट फंक्शन वाला कंसेप्ट हो गया, राइट है ना। यहाँ दो था, दो बार लिखा हमने, है ना, x और y, अब यहाँ t1, t2, t3 है, तो हमें तीन बार लिखना पड़ेगा। कैसे, लिखने का तरीका समझिए, आपको यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है ना, तो आप क्या करिए, डेल यू बाय डेल x, डेल यू बाय डेल x, डेल यू बाय डेल x, इस तरह से तीन बार लिखिए इसको, ऐसे है ना, डेल यू के नीचे डेल x नहीं, उससे इधर लिखना है ना, ऐसे। नाउ अब बात करेंगे t1, तो t1 को मल्टीप्लाई डिवाइड करिए, t2 को मल्टीप्लाई डिवाइड करिए, और T3 को मल्टीप्लाई डिवाइड करिए, है ना। पहले क्या करेंगे, इस तो फिर T1 T1 और T2 T2 और T3 T3 लिखेंगे ना। अब हमें क्या करना है, T1 को X के रेस्पेक्ट में, T2 को X के रेस्पेक्ट में, और T3 को X के रेस्पेक्ट में, तो T1 को X के रेस्पेक्ट करेंगे हम, तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा। नाउ T2 को हम X के रेस्पेक्ट करेंगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू माइनस वन आएगी, और T3 को X के रेस्पेक्ट करेंगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू 1 आएगी। ये वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे हम, सो डेल U बाय डेल X इज इक्वल टू T1 का X, तो 0 हो गया, इसकी वैल्यू माइनस 1 आ रही है, तो ये आएगा माइनस डेल U बाय डेल T2, नाउ यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 आ रही है, तो ये डेल U बाय डेल T3 है ना। अब आप देखिए ये जो फंक्शन है साइक्लिक फंक्शन है, आप देखिए Z के बाद X, X के बाद Y, इस टाइप से आ रहा है, तो यहाँ पे आपको अब Y के रेस्पेक्ट करना, क्योंकि आपको तीनों का ऐड करना है, तो हम सिमिलरली कर देंगे यहाँ पे, है ना। सिमिलरली में क्या होगा, डेल यू बाय डेल वाई निकालना, तो स्टूडेंट देखिए एक्स के लिए यहाँ टी टू आ रहा था, तो वाई के लिए यहाँ पे क्या आएगा, टी थ्री आएगा, एक बढ़ेगा, है ना, टी थ्री है, तो नेक्स्ट क्या आएगा, टी फोर नहीं आएगा, टी वन आएगा, राइट। नाउ अब हम ये करेंगे डेल यू बाय डेल जेड, तो टी थ्री के बाद क्या आता है, टी वन आता है, और यहाँ पे कितना आता है, ये टी टू आता है। नाउ तीनों को ऐड कर दीजिए, सो डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल वाई एंड डेल यू बाय डेल जेड, और तीनों को ऐड करेंगे तो ये टर्म से ये टर्म कैंसिल, ये से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, तो यहाँ से इसका आंसर कितना आता है, जीरो आता है। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे प्रूव करते हैं। एक और क्वेश्चन समझने की कोशिश करिए, किस तरह से करेंगे हम, क्या करेंगे हम, लेट एक्स बाय वाई इज इक्वल टू टी वन, वाई बाय जेड इज इक्वल टू टी टू, और जेड बाय एक्स इज इक्वल टू टी थ्री। क्लियर है, इट मीन्स ये हुआ कि यू इज फंक्शन ऑफ टी वन कोमा T2 कोमा T3। अब हम इसके डेल U बाय डेल X की वैल्यू निकालेंगे, है ना, तो ये T1 T2 T3 तीन पे डिपेंड करा, तो हम मैंने क्या बोला था आपको, इसको तीन बार लिखेंगे, क्लियर है, इस तरह से। नाउ अब यहाँ लिखेंगे T1 T1 T2 T2 T3 और T3, क्लियर। नाउ अब क्या करेंगे, देखिए आप,
अब यहाँ पे हम t1 को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंट, ये t1 यहाँ रह गया, इसको x के रेस्पेक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 1 अपॉन y, लिख दीजिए आप, ये आएगा 1 अपॉन y डेल u बाय डेल t1। नाउ t2 को x के रेस्पेक्ट, तो ये t2 है, इसको x के रेस्पेक्ट करेंगे तो 0 है ही नहीं इसके अंदर x, तो ये 0 हो जाएगा। प्लस t3, t3 को x के रेस्पेक्ट करेंगे तो 1 अपॉन x का कितना होता है, माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर डेल u बाय डेल t3, राइट। अब आपको प्रूफ में यहाँ पे x डेल u बाय डेल x, इस पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करिए तो ये आएगा x डेल u बाय डेल x, x से करेंगे तो ये आएगा x बाय y डेल u बाय डेल t1, और ये x x कैंसिल तो z बाय x डेल u बाय डेल t3। नाउ हम क्या करेंगे यहाँ पे, सिमिलरली अब ये साइक्लिक फंक्शन है ना, देखो आप x बाय y, y के बाद z, z के बाद x है ना, तो यहाँ पे रिपीट कर रहा है ना, तो x की जगह हम क्या लिखेंगे, y डेल u बाय डेल y, तो एक से आगे बढ़ाएंगे ना, x को y लिया तो यहाँ पे x की जगह क्या लेंगे, y, y की जगह क्या लेंगे z, ये t1 की जगह क्या आ जाएगा t2, z की जगह x, y डेल u बाय डेल t1। नाउ क्या करेंगे, z डेल u बाय डेल z इज इक्वल टू y की जगह z, z की जगह x डेल t3 माइनस y बाय z डेल u बाय डेल t2, इनको ऐड करिए, सो x डेल u बाय डेल x प्लस y डेल u बाय डेल y प्लस z डेल u बाय डेल z इज इक्वल टू, तीनों को ऐड करेंगे तो ये से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, जीरो आएगी। तो इस तरह से हम यहाँ पे टोटल पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। दो क्वेश्चन और समझाऊंगा, इसके बाद इस टॉपिक को हम खत्म करेंगे। सो यहाँ पे दो क्वेश्चन और देखिए इस टॉपिक पे, पार्शियल डिफरेंशिएशन, टोटल पार्शियल डिफरेंशिएशन पे। तो यहाँ दे रखा है u इज इक्वल टू एफ आर ऑफ वेयर आर इज इक्वल टू दिस, और आपको ये प्रूव करना है। तो यहाँ देखिए u किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ एक फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे डेल u बाय डेल x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, डेल u बाय डेल x, वहाँ हम तीन बार लिख रहे थे, यहाँ हम एक ही बार लिखेंगे, यहाँ आएगा डेल r और डेल r। तो आप देखिए u को r के रेस्पेक्ट में ये मैं यहाँ डिफरेंशिएट करता हूँ, तो u इज इक्वल टू एफ आर, तो डेल u बाय डेल r इज इक्वल टू कितना आएगा, एफ डैश r, और यहाँ आपको दे रखा है r स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो हमें यहाँ डेल r बाय डेल x चाहिए, तो ये आएगा 2r डेल r बाय डेल x इज इक्वल टू 2x, सो डेल r बाय डेल x इज इक्वल टू x बाय r। इसी टाइप से यहाँ पे आएगा डेल r बाय डेल y इज इक्वल टू y बाय r, तो ये हमें यूज आने वाला है यहाँ पे। तो देखिए आप डेल यू बाय डेल एक्स की वैल्यू आपके पास है यहाँ पे एफ डैश आर, मैं डेल यू बाय डेल आर की वैल्यू, और डेल आर बाय डेल एक्स की वैल्यू यहाँ पे एक्स बाय आर है ना, थोड़ा सा इसको इज्जत से लिख लेते हैं अपन, डेल यू बाय डेल एक्स एक्स एफ डैश आर अपॉन आर। नाउ मुझे यहाँ डेल यू बाय डेल एक्स स्क्वायर चाहिए, तो मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों तरफ हम एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ यू इंटू वी से होगा, देखिए क्या होने वाला है, डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर, मैंने इस एक्स को छोड़ा और इस एक्स को कर लो, चलो इस एक्स को किया तो कितना बचा, एफ डैश आर अपॉन आर, फिर एक्स को छोड़ा तो डेल बाय डेल एक्स ऑफ एफ डैश आर अपॉन आर। नाउ थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूँ, तो ये आएगा डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर एफ डैश आर अपॉन आर प्लस एक्स, यू अपॉन वी से करेंगे, आर को छोड़ा इसका किया तो डबल डैश आर माइनस एफ डैश आर को छोड़ा इस आर का किया, तो ये आएगा एफ डैश आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और वापिस आर का होगा डेल आर बाय डेल एक्स। नाउ थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, तो डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एफ डैश आर अपॉन आर, डेल आर बाय डेल एक्स की वैल्यू एक्स बाय आर यहाँ से उठा के यहाँ रखेंगे तो एक्स बाय आर, तो ये एक्स है ये एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये आर क्या हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा, सो ये आएगा आर f डबल डैश r माइनस एफ डैश आर। सिमिलरली यहाँ हम लिखेंगे डेल टू यू बाय डेल y स्क्वायर, तो ये f डैश r अपॉन r एज इट इज आएगा, बस यहाँ पे x स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, y स्क्वायर r f डबल डैश r माइनस f डैश r। हम इन दोनों को क्या करने वाले हैं यहाँ पे, ऐड करेंगे, ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखिए आप डेल टू यू बाय डेल x स्क्वायर डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर, ये दोनों ट्वाइस हो जाएंगे, सो टू एफ डैश आर अपॉन आर प्लस, यहाँ देखिए आप ये वाली जो टर्म है, ये वाली टर्म है, ये टर्म पूरी क्या आ रही है, कॉमन आ रही है, तो यहाँ बचेगा ये एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर अपॉन आर क्यू आर एफ डबल डैश आर
माइनस एफ डैश आर, और आप जानते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमारे पास आर स्क्वायर ही है। आर स्क्वायर या रखूँगा तो एक आर स्क्वायर से कैंसिल, तो एक वन अपॉन आर बचेगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टू एफ डैश आर अपॉन आर प्लस, यहाँ आर स्क्वायर तो वन अपॉन आर, इस आर को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा एफ डबल डैश आर माइनस, यार अंदर गया तो एफ डैश आर अपॉन आर, और इससे माइनस होगा तो इसकी वैल्यू आएगी आपके पास एफ डैश आर अपॉन आर प्लस एफ डबल डैश आर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम प्रूव करते हैं। एक और क्वेश्चन लीजिए, ये आपका लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का, फिर अपन अगला टॉपिक लेंगे। सो देखिए आप क्या दे रखा है, आपको ये प्रूव करना है जहाँ पर एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू ये दे रखी है। तो आप देखिए हम यहाँ पे लेने वाले हैं कि डेल यू बाय डेल जाई लेने वाले हैं, राइट। और ये जो जाई है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे भी डिपेंड कर रहा है और वाई पे भी डिपेंड कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, डेल यू बाय डेल जाई डेल यू बाय डेल जाई, अब ये किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे भी डिपेंड कर रहा है और वाई पे भी डिपेंड कर रहा है, क्लियर है। अब देखिए आप एक्स को जाई के रेस्पेक्ट में और वाई को जाई के, तो एक्स को जाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आएगा, देखिए आप डेल यू बाय डेल जाई, एक्स को जाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये आएगा कॉस अल्फा डेल यू का ना, एक्स को जाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो जाई का हो गया वन, कॉस अल्फा बचेगा ना। नाउ वाई को जाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे प्लस का साइन अल्फा डेल यू बाय डेल वाई। नाउ आपको ये वैल्यू चाहिए डेल टू, अब हम इसको लेके चलेंगे और ये प्रूव करेंगे, राइट। तो हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, अब मैं अगर इसकी वैल्यू बोलूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, ये कॉस अल्फा डेल बाय डेल एक्स साइन अल्फा डेल बाय डेल वाई, मैंने ये यू हटा दिया, राइट। मैं इस ऑपरेटर की बात कर रहा हूँ, इस ऑपरेटर की वैल्यू इसके बराबर है ना। नाउ अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए डेल टू यू बाय डेल जाई स्क्वायर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ डेल बाय डेल जाई इंटू डेल यू बाय डेल जाई। नाउ डेल बाय डेल जाई की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ध्यान दीजिए, कॉस अल्फा डेल बाय डेल एक्स नाउ साइन अल्फा डेल बाय डेल वाई इंटू, यह आएगा आपके पास कॉस अल्फा डेल यू बाय डेल एक्स साइन अल्फा डेल यू बाय डेल वाई। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं ये वैल्यू उठा के, मतलब डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ का डेल टू यू बाय डेल जाई स्क्वायर, इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इससे क्या होगा, देखिए आप कॉस स्क्वायर अल्फा ये आएगा डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होती आएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा डेल टू यू बाय डेल एक्स डेल वाई, जब ये इससे मल्टीप्लाई होती, यहाँ भी ये आएगा तो ये ट्वाइस हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर। नाउ सिमिलरली हम वैल्यू निकाल लेंगे किसकी, डेल टू यू बाय डेल नीटा स्क्वायर। मैं आपको बताना चाहता हूँ जाई और नीटा में क्या फर्क होने वाला है, ये यहाँ पे प्लस का कॉस, यहाँ पे माइनस का साइन हो जाएगा और साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस होगा, तो साइन की जगह माइनस कॉस रखेंगे, मतलब कॉस की जगह माइनस साइन रखेंगे तो ये तो प्लस है तो प्लस ही हो जाएगा डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे कॉस की जगह माइनस साइन रखेंगे और साइन की जगह कॉस रखेंगे तो ये एक नेगेटिव आ जाएगा और ये आएगा डेल टू यू बाय डेल एक्स डेल वाई, और यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर वन, दिस इज इक्वेशन नंबर टू। नाउ वन प्लस टू करेंगे तो ये आएगा डेल टू यू बाय डेल जाई स्क्वायर डेल टू यू बाय डेल नीटा स्क्वायर, आप देख रहे हो इन दोनों को करेंगे तो ये टर्म कॉमन आ रही है तो अंदर बचा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर। नाउ इसको ये दोनों टर्म कैंसिल हो रही है, यह आ जाएगा ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर, आप जानते हो इसकी वैल्यू वन होती है, सो दिस इज डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू बाय डेल वाई। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। सो स्टूडेंट्स आपको मेरी वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे, अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ आप कमेंट और शेयर करते रहिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और नोटिफिकेशन बेल को आप प्रेस कर दें सो देट आगे की जो वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स थे कि सर आप थ्योरी कम कवर कर रहे हैं, न्यूमेरिकल ज़्यादा बता रहे हैं, तो मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ मैथमेटिक्स को अगर सही तरीके से पढ़ना है तो आप क्वेश्चन को समझिए, उसके पीछे की थ्योरी भी आपको समझ में आ जाएगी। पर अगर मैं आपको थ्योरी पढ़ाने बैठ गए यहाँ पे तो मुझे लगता है एक टॉपिक पे मुझे एक से डेढ़ घंटे का वीडियो डालना पड़ेगा जो कि आपके लिए समय खराब करता है। सो स्टूडेंट्स अगर आपको फिर भी लगता है तो मैं कुछ सेलेक्टेड टॉपिक की थ्योरी अपलोड करूँगा धीरे धीरे वन बाय वन, पर आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स की बहुत सारे अलग अलग डिमांड्स आती रहती है, मैं हर एक की डिमांड पूरी नहीं कर सकता बट मैं जैसे समय मिलेगा उससे अपना आपकी डिमांड्स को पूरी करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू।